तो भाई आप लोगों का फिर से एक स्वागत है एक छोटी सी मिनी ब्लॉग में। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं श्री लेटे हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो उससे पहले हम लोग टेम्पू पकड़ के आराम से निकल लेते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा भूख लगता है तो भाई लोग केला लेते हैं एक दर्जन। तो तीनों भाई खाते हैं और आराम से निकल लेते हैं। और लेटे हनुमान जी मंदिर से जाने से पहले एक बहुत अच्छा सा मंदिर आता है जो कि काफ़ी प्यारा है, जो आपको अट्रैक्ट करेगा वहाँ जाने के लिए। और वहाँ पर आप जाएँगे तो भाई एक अलग सी सुकून मिलती है। मतलब वहाँ पर अधिकतर भगवान की मूर्तियाँ हैं और वहाँ पर घूमने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो खींचना अलाउ नहीं था, बट तुम्हारे भाई ने बनाया है तो भाई देखिएगा आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पे गए, मतलब काफ़ी चीज़ों की जो अलग अलग जगह की कलेक्शन थे वहाँ पे मतलब इकट्ठा किया गया था, मतलब उसको बारे में दिखाया गया था। और मतलब सारे भगवान की मूर्तियाँ थी, हर भगवान की प्राचीन मूर्तियाँ थी, मतलब बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ थी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू बाहर का आपको दिखाएंगे, मतलब काफ़ी प्यारा दिखता है इधर से व्यू। और आधा इलाहाबाद नैनी का पूरा ब्रिज आपको दिखेगा। और यहाँ पे मौसम भी कुछ सुहाना मौसम था, बारिश हो रही थी तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो यहाँ सब बाइक घूमने के लिए मतलब काफ़ी भीड़ रहती है। तो हम लोग बारिश में निकले थे, हम लोग को लगा कि काफ़ी भीड़ होगी, बट नहीं भीड़ थी। और यहाँ से आपको लोकेशन ऐसे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे छह महाकालेश्वर की मूर्तियों का मतलब उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था कैसे दिखती है। फिर वहाँ से हम लोग निकल लेते हैं लेटे हनुमान जी मंदिर का दर्शन करने, जो कि जस्ट बगल में 100 मीटर के अंदर रहता है। वैसे यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है गाइस, बट बारिश की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो हम लोगों को लेटे हनुमान जी के दर्शन करने को मिला, जो कि काफ़ी बहुत प्यारे से दर्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे इतना भीड़ रहती है कि आपको दर्शन करने को अधिकतर मिलता ही नहीं। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मार दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट छोटे से ब्लॉग में आप।